होश तो पहले ही खो दिया है, होश तो पहले ही खो दिया। अरे सुनो, मैं मुड़का पहले ही भैया। अरे पक्की, वेरी गुड। चलो ठीक है राधिका जी। हाँ जी। आप, मैंने सुना है इस क्षेत्र में आप पहली बार आए हो या दूसरी बार आए हो, पिछले दौर में भी आप नहीं आ पाए हो, माफी चाहता हूँ। कोरोना काल के अंदर आपको ग्रस्त कोरोना हो चुका था, इसलिए से आप नहीं हो गया। झूठ नहीं, अच्छा कोरोना हो मन तो देख, कोरोना भाग गए। इस दुनिया का हर मर्द ये चाहता है कि मेरी बीवी को कोरोना हो, लेकिन होता ही नहीं। लीजिए एक बार, मतलब ये भी यही सोच रहे बैठे तो पागल जी की मैं कौन दूं, तो मैं तो लोगों ने ज्ञान दूं तो समझा कर। अच्छा तेरा ना नमस्कार कर, मैं तो कर लो के था काम से कर लियो। देखो मेरी बात सुनो, मेरे तो होता रहता है, हम मर्द लोग हैं और हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक परंपरा है, खासतौर से राजस्थान के अंदर, कि हमने महिलाओं को हमेशा आगे तवज्जा दिया है, हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और करते रहेंगे, चाहे लड़ाई हो या प्यार प्रेम हो, सब जगह आगे रखेंगे। अच्छा लड़ाई में भी? पर मैं भी चला बताता हूँ, मैं धूती चुगली लड़ाई सब कर लिया, लेकिन जब मार खाबा को टेम आओ, जब मोटियार को आगो तरह। चिंता ना करो, जूता भी हमारा होगा, वार भी हमारा होगा, वक्त आने दो मैडम, सब कुछ हमारा ही प्यार होगा, टेंशन ना करो, आप संभालो पहले। वो तो वक्त आओ, जब देखी जाओगी ये चीज तो। अरे सवाल सवाल, ए तेरी चुप रहो, तेरी गौशाला की गाय ने सवाल इस धरती माता का वो जवान है जो आने वाली हर जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेगा। क्यों भाई? और खास तौर से मेरे भाइयों से पूछना, कई भाइयों ने तो अपनी जिम्मेदारियों को कोरोना में कंधा पे ही रखा, उतारा ही नहीं। सही बात, ले करिए। अजी राम राम, और सो बोलो, रोटी कौन खा रही? राम राम, लुगाया बस सिस्टम बताओ ना, बढ़िया। तूने की राम राम, जोर से बोलो, जाके एक दूसरा आईडी जाके है बावली बोले ना, जाके सिस्टम। देखो मेरी बात सुनो, बोलेगी ना, कहते हैं कि महिलाओं के अंदर और बालाजी के अंदर एक स्वरूप होता है, जैसे हनुमान जी से किसी काम को करवाना हो तो बालाजी महाराज की बड़ाई करनी पड़ती है, उनको हनुमान चालीसा सुनाना पड़ता है, संकट मोचन सुनाना पड़ता है, बजरंग बाण सुनाना पड़ता है, तब जाकर के हनुमान जी किसी कार्य को करते हैं। कहते हैं जब सीता जी का पता लगाने के लिए सारी वानर सेना ने और वहां पर जितने भी बैठे हुए थे सब जामुंती तक ने उनकी बड़ाई की थी कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऐसे उनकी बड़ाई करनी पड़ती है, हे बालाजी महाराज तुम तो ऐसे वीर हो, तुमने लंका के अंदर लाइट का ट्रांसफर फिट कर दिया था, हे बालाजी महाराज तुम तो ऐसे वीर हो, तुमने छोटी सी सजीवन मूर्ति के खातिर डूंगर का डूंगर फाड़ा है, तो ऐसे उनके बड़ाई करने पड़ते ना, ऐसे लुगाइयों की बड़ाई करो तब जाकर के ये काम करती है। क्योंकि भाइयों एक ज्ञान आपको दे देता हूं, दिन भर सही थी तो कतई खोटो कर्म कर रहा हूं, शाम कार लुगाई न किया दो लुगाई के रे ढंग नहीं है रे, अरे मुंडो ये कर नहीं है, चना समझ जाओ तो लुगाई समझ रखी माने नहीं रे, वो तो इशारा बताऊं बात भाषा निकल जाओ चना, ये करे एक जना लुगाई नजर अपन, बस एक ही बात कहनी है, बहुत लुगाई देखी मैंने दुनिया के अंदर, एक से एक लड़कियां देखी, लेकिन जिस दिन से तुम्हें देखा है बस घायल हो गया, बस ये समझ लो कि कहते हैं लुगाई को सारो पसीनो चेटीनो उतर गुसो एडी में अजी थे आ जाओ कोलकाता थे यार आ जाओ। हां तो बड़ाई बड़ाई करो, मेरी झांसी की रानियों, वाह वाह, महारानियों, वाह वाह, पट रानियों, लापसी खानियों, वाह वाह, ठेक और अंदर में ले जाओ लापसी खानियों, ठेक आई खाओ तो उठो, मर्द ने आज तक लापसी नहीं खाई है, माइस ले लो हलवा या फिर लाडू लो, लाडू लो, लाडू लो, सही बात है, देखो टापर होवे ना घी लो जना, लापसी ठीक खाओ, मैं मोटिया बच्चा खाई, मेरी मातृ शक्ति राम राम, हे मारा भगवान, सारी रात रोया तू बोरी हो मेरी, सारी रात रोया, अरे फिर खाना रोने मैंने बात कर लेते हो, सारी रात रोया, एक मेरे जल्दी सुमार उठ भाग गो, ओ हो वे बोलेगी बुलाओ, वरना हम भी चली छोड़ने वाले हैं, राम को नाम ले रहा कोई गाड़ी घूम के डारी, राम राम जी, अब देख मारे एक बार खेगा भाई, आओ पहले हरि फिर उसके बाद राम, पहले हरि राम 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 राम, पांच बारी गणों तो भाई राम 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 राम, पहले हरि फिर बाद में राम 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 राम, रेडी हमारे साथ भाइयों, हरि राम राम राम,
अच्छा मतलब आपके गुरु जी है मेरे गुरु जी। मतलब आप कहते हैं बस वो ये आखिरी बार मिलो चेली के पास को। दुख क्यों हो रहा है? दर्शन नहीं होते तो दुख तो होता ही ना। अच्छा आपको दर्शन नहीं हो रहे? आत्मा सो परमात्मा, आत्मा से याद करो साक्षात वो यहाँ भी टपक सकते हैं। अभी थोड़ी दिनों पहले सुना था कि बीमार है उनका एम्स में इलाज चल रहा है, तो मैंने भी पैरासिटामोल खा ली थी, मैं भी सो गया था। एम्स? गुरु जी बीमार थे तो मैं भी गुस्से में आकर के उनका दर्द मुझे देखा नहीं गया, पैरासिटामोल गोली खा करके बिस्तर पे सो गया। फिर गुरु जी का दूतरा नहीं उतरा, मेरा तो उतर गया बुखार। अच्छा अभी तरह पढ़े लिखे हो? ओहो अच्छी बात, तेरे घर में पढ़े लिखे ही नहीं होता तो ना कहीं रोबन आता। अच्छा पढ़े लिखे तो छोटी मोटी मतलब बढ़िया उम्र से लेकर नीचे तक पूरी इंग्लिश में कुछ है। अच्छा इंग्लिश आती है? कतरी कावज है तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। नौकरी में? अरे पढ़े लिखे तो नौकरी लगी नहीं, शायद थोड़ी घूमते। अच्छा कहीं में? SBA को मतलब स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में नौकरी है? यस। ट्रेनिंग कहाँ करी? जोधपुर। जोधपुर में कौन सी जगह? ARB इंस्टीट्यूट जोधपुर। ARB की फुल फॉर्म? आशाराम बापू इंस्टीट्यूट जोधपुर। बड़े ज्यादा ट्रेनिंग करी है? यस। फाइनल पेपर कौन दिया? हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी जगह? हनीप्रीत का आश्रम। नौकरी कौन दियो? राम रहीम बापू। इंटरव्यू कौन लियो? बस एक ही आदमी हो। कौन? हमारे वो कौन? वो कौन तो समझते उसका नाम मत लो मेरे साथ। तो लेना तो पड़ेगा नाम। इधर वो हमारे जयपुर में महाराज पर बैठो नए नए कौन है वो गांधे बांगोली घुमार बहुत प्रसाद। अच्छा SBA स्वच्छ भारत अभियान क्या करते हो? सुरक्षा। किसकी? हाफ सीट सुरक्षा। मतलब यहाँ की सीट मिले तो भाई उन्हें पाँव टेक ले और बाकी कोई शुरू न होना। बस बेटा नहीं करो तो उन्हें साफ सफाई करा था सुगला क्यों ही काम मिले भाई। स्वच्छ भारत का मतलब तो यही है। दूर रहो। क्यों? बदबू आती है। अच्छा था कि तो कोई और ही करता दी सफाई फिर में तो बदबू आती है। अरे पागल इस शरीर से कहते हैं कि इसलिए तो शरीर तो नाशवान है। अच्छा। अरे यहाँ से आत्माओं का मिलन होना चाहिए, बाकी तो शरीर तो सब बेकार है, सबके एक जैसे हार्ड मास के पोतले हैं भाई। क्यों? पर कह रही है दूर रहो। जयकारा लगवाओ, आज तो बकवास मत करो। अरे हमसे कब तक दूर रहोगी? कोई ना कोई तो होगा जब तुम्हें भी पास बुलाता होगा। मन तो कोई कौन बुलावे। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, छोड़ो हम फिर लेंगे आपको लपेटे में, अभी बाद में करते हैं बात आपसे। जयकारा लगवाओ, आप लगवाइए।